हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम स्टडीज यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज पार्ट 4 ऑफ आवर ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फाइल ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द साउथ पोल कोल्डर देन द नॉर्थ पोल। कि जो साउथ पोल है, जो दक्षिणी ध्रुव है, वो उत्तरी ध्रुव से ज्यादा ठंडा क्यों है। इसका मेन कारण ये है कि दक्षिणी ध्रुव पे जो अंटार्कटिका है उसकी जो हाइट है, वहां पर जो ग्लेशियर्स हैं उनकी हाइट उत्तरी ध्रुव पे जो आर्कटिक सागर है उनके ग्लेशियर से ज्यादा है। तो यही कारण है कि ज्यादा अल्टीट्यूड के कारण, ज्यादा ऊंचाई के कारण, जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो हाइट बढ़ने से जो हमारा तापमान है वो कम होता जाता है। तो यही रीजन है कि जो साउथ पोल है वो ज्यादा ठंडा है नॉर्थ पोल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज। कि भूकंप को और क्या बोलते हैं? भूकंप को और क्या बोलते हैं? टीचर, ट्रिमर, टेम्पर, नन ऑफ दीज। भूकंप को बोलते हैं ट्रिमर, झटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस। कि कौन सी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दो बार काटती है, मकर रेखा को दो बार काटती है? वाल, लिम्पोपो, नाइजर, जम्बेजी। तो जो आपकी लिम्पोपो नदी है ये आपकी मकर रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और मोजाम्बिक देश से होते हुए इंडियन ओशन में जाकर गिर जाती है और ये अफ्रीका में दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि हिंद महासागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलो फॉर अ क्रिकेट बैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कि क्रिकेट बैट के लिए जो विलो यूज होती है वो कहां से मिलती है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, कोनिफरस फॉरेस्ट। तो ये मिलती है डेसिडुअस फॉरेस्ट से। डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं कि जो पेड़ पौधे एक सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं उनको डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज। कि एशिया में सबसे लंबी नदी कौन है? रिवर इंडस, इंडस नदी, यांगसी नदी, वांगहो नदी या गंगा नदी। तो इन चारों में से जो सबसे लंबी नदी एशिया में है वो है रिवर यांगसी। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कम्पोज ऑफ विच रॉक। कि अर्थ की क्रस्ट सबसे ज्यादा कौन से मटेरियल की बनी हुई है? इग्नियस, आग्नेय, मेटामॉर्फिक, रूपांतरित, सेडिमेंटरी, अवसादीय, कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो आपकी जो अर्थ की क्रस्ट है वो सबसे ज्यादा इग्नियस एलिमेंट की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट फॉरेस्ट विच कवर्स 25% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट लैंड इज। फर्स्ट ऑप्शन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टैगा फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया, मॉनसून फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ यूरोप। तो आपका राइट आंसर होगा टैगा फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया। टैगा फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया क्या है कि जो टैगा है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है। इसमें वर्ल्ड का 29% फॉरेस्ट का आवरण है। इसको हम बोरियल फॉरेस्ट या स्नो फॉरेस्ट भी बोलते हैं और यहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो मिलते हैं कोनिफरस ट्रीज और यह मेनली फैला हुआ है रशिया और कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेडेड प्रोफाइल ऑफ अ रिवर कोर्स इज अ। कि रिवर की जो ग्रेडेड प्रोफाइल है वो क्या होती है? रिवर की ग्रेडेड प्रोफाइल हम उसको बोलते हैं कि रिवर अपने उद्गम स्थान से लेकर मुहाने तक जो अपना रास्ता तय करती है वो उसकी ग्रेडेड प्रोफाइल होती है। तो ये कैसी होती है? फर्स्ट ऑप्शन, स्मूथ कर्व फ्रॉम सोर्स टू माउथ, स्मूथ कर्व इन द अपर कोर्स, स्मूथ कर्व इन द मिडिल कोर्स एंड स्मूथ कर्व इन द लोअर कोर्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि स्मूथ कर्व फ्रॉम द सोर्स टू माउथ। कि सोर्स से लेकर माउथ तक, मतलब उद्गम स्थान से लेकर मुहाने तक जो नदी की जो ग्रेडेड प्रोफाइल होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक होल इज अ फिनोमिना ऑफ डैश टोपोग्राफी। कि जो सिंक होल होते हैं वो कैसी स्थलाकृति का परिणाम है? प्लेन, डेजर्ट, टुंड्रा, कास्ट। तो जो सिंक होल्स है वो कास्ट स्थलाकृति का परिणाम है। जब अर्थ की सरफेस के नीचे ज्यादातर कार्बोनेट की चट्टानें होती हैं तो जो भूमिगत जल है वो उन चट्टानों का कटाव कर देता है और वहां पर गुफाएं बन जाती हैं, गुफा टाइप बन जाता है। तो जब ऊपर से जब प्रेशर आता है या फिर ऐसे ही वो गुफाएं ध्वस्त हो जाती हैं और वहां पर गड्ढा बन जाता है जिसको हम सिंक बोलते हैं। अगर ये सिंक होल का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो तो हम उसको डोलाइन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय इनंडेशन, टेक्टोनिज्म, अर्थ रेवोल्यूशन, अर्थ रोटेशन। तो जो अर्थक्वेक्स होते हैं उसका मेन कारण होता है टेक्टोनिज्म, मतलब प्लेटों का संचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन। कि जो अर्थ है वो अपने अक्ष के ऊपर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो वो लगाती है 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट क्वार्ट्जाइट एरियाज हैव अपस्टैंडिंग लुक बिकॉज। कि जो ऐसे एरिया जिसमें जो चट्टान मिलती है वो ग्रेनाइट या क्वार्ट्जाइट है, उनकी जो लुक होती है वो कैसी होती है? मैकेनिकली वेदर्ड फास्टर, दीज रॉक्स आर रेजिस्टेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ इरोजन, दीज रॉक्स आर नॉट इजीली इरोडेड,
नॉट इजिली वोन डाउन। ये जो रॉक्स होती हैं ये कुछ ज्यादा ही हार्ड होती हैं और ये जल्दी से इनका इरोजन नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माउंटेनियस एरियाज अ नेचुरल कॉज फॉर रोड ब्लॉक्स इज ऑफन, कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जो सड़कें होती हैं वो रुक जाती हैं, मतलब वो ब्लॉक हो जाती हैं। ऑप्शन, रोड रिपेयर्स एंड कंस्ट्रक्शन, लैंडस्लाइड्स, ट्री फॉलिंग, ट्रैफिक कंजेशन। तो आपका इनमें मेन रीजन जो है वो है लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड क्यों होता है? लैंडस्लाइड होने का मेन रीजन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो वहां पर उसकी जो चट्टानों का कुछ भाग वो नीचे की तरफ खिसक कर रोड्स को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द व्हाइट साल्ट विच कवर्स द लैंड इन सम एरियाज ड्यूरिंग ड्राई सीजन, कि जब भी ड्राई सीजन होता है मतलब सूखा सीजन होता है उस टाइम पे एक व्हाइट साल्ट की परत जमीन के ऊपर चढ़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रे, इसका दूसरा नाम कलर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियांडर्स आर द फीचर्स फॉर्म्ड बाय, कि जो मियांडर्स होती हैं ये कौन से कारक के द्वारा बनती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स, कि जो जल होता है, जो नदियां होती हैं वो विसर्ग बनाती हैं, जिनको हम मियांडर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ऑन अर्थ इज मेनली ड्यू टू, कि अर्थ के ऊपर जो सूर्यातप आता है उसका अनइवन मतलब कि विषम वितरण क्यों है? वो है फर्स्ट ऑप्शन स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, प्रेजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। तो आपका राइट आंसर है स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी की जो शेप है वो क्या है? गोले की तरह है, तो उस पे इक्वेटर के ऊपर तो ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्या होता है कि जो इंसुलेशन है उसका विषम वितरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनोक्स ओकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव डैश, इक्विनोक्स बोलते हैं हम विषुव को, कि पृथ्वी पर विषुव की कंडीशन कब आती है? विषुव क्या होता है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो यह कंडीशन तब आती है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्विनोक्स इज व्हेन, ये आपको बताया है कि इक्विनोक्स विषुव कब होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, व्हेन द डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि जब दिन और रात की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? मेंटल, आउटर कोर, क्रस्ट, इनर कोर। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत है क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पटी, व्हाई इज द अर्थ इज हैविंग इट्स ओन एटमोस्फेयर, पृथ्वी के पास अपना एटमोस्फेयर क्यों है? क्या कारण है कि पृथ्वी के पास अपना एटमॉस्फेयर है, अपना वातावरण है? तो आपके ऑप्शन है विंड्स, क्लाउड्स, ग्रेविटी, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो उसके गुरुत्व बल के कारण है। पृथ्वी का गुरुत्व बल गैसों को अपने चारों ओर बांधे हुए है, जिससे गैसों का एक आवरण बन गया है, उसी को हम वातावरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम शॉर्ट टर्म नेचुरल हैजार्ड इज, सबसे कम समय की प्राकृतिक आपदा कौन सी है इनमें से? ब्लिजर्ड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, कि पृथ्वी की सरफेस के नीचे जो रॉक्स होती हैं वो ज्यादा तापमान के कारण पिघली हुई अवस्था में है, जब वो पिघली हुई अवस्था में है तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं, और जब मैग्मा दरारों के थ्रू पृथ्वी की सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसको हम लावा बोलते हैं, और जब लावा जम जाता है तो उनको हम आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, जब वो बिलो है अर्थ की सरफेस के, तो हम उसको बोलते हैं मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंडस्केप विच इज कॉज्ड ड्यू टू फिशर इन द अर्थ अलोंग विच वन साइड हैज मूव डाउन विद अ रेफरेंस टू द अदर इज नोन एज, कि वो स्थलाकृति जो कि पृथ्वी के ऊपर दरार के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें एक साइड तो नीचे की तरफ धस जाती है और दूसरी ऊपर की तरफ उठ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक होल इज अ फिनोमिना ऑफ, यह पहले भी आ चुका है कि जो सिंक होल है किसका फिनोमिना है? तो यह कार्स्ट स्थलाकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ग्रेनाइट रॉक्स गेट मेटामॉर्फोज दे फॉर्म, कि जब ग्रेनाइट चट्टाने रूपांतरित हो जाती हैं वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसकनेक्टेड लाइन्स ड्रॉन ऑन अ मैप फॉर शोइंग स्लोप, किसी भी मैप के ऊपर आपस में बिना जुड़ी लाइने जो कि स्लोप मतलब ढलान को दिखाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हैशर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड आइलैंड्स इज नोन एज, कई सारे द्वीप एक ग्रुप में पाए जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? स्ट्रेट, पेनिनसुला, आर्किपेलागो और लेगून, तो उसको हम बोलते हैं आर्किपेलागो। ये गुच्छा होता है द्वीपों का।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंडोनेशिया, जापान, फिलीपाइन, न्यूजीलैंड, मालदीव, बहामास, ग्रीस, हवाई और एजोर्स द्वीप। ये जितने भी द्वीप हैं ये सारे इकट्ठे होकर एक गुच्छा सा बनाए हुए हैं, इनको हम बोलते हैं आर्किपेलागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म दुआब मीन्स, कि जो दुआब जो अक्षर है उसका क्या मतलब है? अ लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स, अ लैंड बिटवीन टू लेक्स, अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, अ लैंड बिटवीन टू सीज। कि जो दुआब जो अक्षर है वो यूज किया जाता है दो नदियों के बीच के क्षेत्र के लिए। अब जैसे कि भारत में कई सारे दुआब पाए जाते हैं, जैसे कि बिस्त दुआब। बिस्त होता है ब्यास नदी और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं बिस्त दुआब, और बस नदी और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको बारी दुआब बोलते हैं। जो दुआब है वो है अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ, कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो क्या होता है? लाइन पैरेलल टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड, लाइन ज्वाइनिंग द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ ऑफ द अर्थ, प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ ऑफ द अर्थ। तो जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है ये एक लाइन होती है जो मैग्नेटिक नॉर्थ चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण के थ्रू जो लाइन जाती है अर्थ के अंदर, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आगे ऐसे ही वीडियो आते रहें तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।